भारत और नेपाल ना सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तौर पर गहरे संबंध रहे हैं। ये दोस्ती इस कदर गहरी रही है कि दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के मुल्क में जाने पर ना वीजा की जरूरत होती है और ना ही पासपोर्ट की। लेकिन हाल में इस दोस्ती के बीच एक दीवार खड़ी होती दिख रही है और इसकी वजह बन रहे हैं दोनों देशों की ओर से जारी हुए राजनीतिक नक्शे। आज कवर स्टोरी में इसी की बात। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को संसद से मंजूरी मिलना तय हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने प्रतिनिधि सभा में नए राजनीतिक नक्शे और एक नए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद निचले सदन में नए नक्शे को अपनाने के लिए संविधान संशोधन पर आम सहमति बन गई। नए नक्शे में नेपाल ने 1816 में हुई सुगौली संधि के तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाया है। भारत नेपाल के इस दावे को खारिज करता रहा है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा के अहम फैसले को वहां कैसे देखा जा रहा है, बता रहे हैं काठमांडू में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र फुयाल। मैं नेपाल के संसद भवन के सामने खड़ा हूं। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में समेटने की संविधान संशोधन जो प्रस्ताव है उस ऊपर सर्वसम्मति जुटाने के एक दिन बाद नेपाल के संसद में बहुत खुशहाली नज़र आया था, बहुत खुशहाली छाया हुआ था, एक प्रकार का संतुष्टि था क्योंकि वो काम आगे बढ़ रहा है। और थोड़ी सी बेचैनी भी थी, बेचैनी इसलिए कि भारत से बातचीत नहीं हो पा रही है ये सीमा विवाद जो है उसको हल करने के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज स्पष्ट शब्द में अपने हिसाब से जो राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया, नेपाल के सब राजनीतिक दलों ने कालापानी लिपुलेख का जो अपना हिस्सा बताया जा रहा है नेपाल, तो उसके ऊपर एक सर्वस्वीकृति सर्वसम्मति जुट गया है संसद में, उस ऊपर खुशी और संतोष प्रकट किया नेपाल का प्रधानमंत्री ने। उन्होंने फिर ये दावा भी रिपीट किया कि कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल का ही था, नेपाल का ही है। 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उसके तहत नेपाल का भूभाग रहा था वो भूभाग, और 1961 तक वो नेपाल का ही था, प्रधानमंत्री केपी ओली ने रिपीट किया। 1962 में जब इंडिया और चाइना का द्वंद हुआ उस वक्त फिर वहाँ पे इंडियन फोर्सेस इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आके अपना अड्डा जमा लिया, उसके बाद वो नेपाल का हाथ से फिसल गया वही कह रहे थे। और वो लेने के लिए केपी शर्मा ओली और नेपाल की संसद बहुत बेचैन सुनाई दे रहे थे, मगर उसके लिए अभी तक बातचीत नहीं हो पा रहा है, दो देश के बीच में कूटनीतिक संवाद नहीं हो पा रही है। COVID-19 की जो विश्वव्याधी है वो ख़त्म होने की बात बातचीत होने की बात हो रही है, मगर काम कुछ नहीं हो पा रहा था हो पा रहा है। इसी बात पर नेपाल का परराष्ट्र मंत्री भी नाखुश थे, थोड़ा अचंभित भी थे, थोड़ा चौंक भी गए थे, और उन लोगों का चाहना ये है कि कहना ये है कि बात कूटनीतिक संवाद दिल्ली और काठमांडू के बीच जल्द से जल्द होनी चाहिए। और नेपाल के नागरिक समाज पत्रिका में लिखने वाले टिप्पणीकार और विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि दो देश को जल्द से जल्द बातचीत करना चाहिए और ये मशवरा जो है उसका समाधान करनी चाहिए, कुछ हल निकाल। भारत और नेपाल के बीच हालिया विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब करीब 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। भारत ने यह नक्शा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद जारी किया था। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा करता है और भारत इस दावे को खारिज करता रहा है। लिपुलेख से होकर चीन स्थित मानसरोवर जाने का रास्ता है। हाल में भारत ने लिपुलेख इलाके में एक सड़क का उद्घाटन किया था, नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। इसके बाद मई में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, इसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाली क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, पर नेपाल ने इतना बड़ा फैसला बिना भारत को विश्वास में लिए कैसे कर लिया, यही पूछा मैंने नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत राकेश सूद से। कुछ थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी भारत की तरफ से भी रही,
शायद इसलिए कि हमारे एम्बेसडर वहाँ उस समय दिसंबर में रिटायर हो रहे थे, तो वो नए एम्बेसडर को पहुँचने में करीब 2-3 महीने लगने थे, तो हमने सोचा तब हो जाएगा। फिर वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रिटायर हो रहे थे जनवरी के अंत में, अब वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, तो जब भी जो भी नए फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे उनको भी थोड़ा समय लगेगा स्थिति संभालने में, और फिर उसके बाद बीच में ये कोरोना की मुश्किलात आ गई। तो यही हुआ कि चलिए ये कोरोना का लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो उसके बाद मीटिंग की जाएगी। पर मुझे लगता है कि नेपाल ने उसको समझा कि भारत मीटिंग टाल रहा है, और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वो सड़क का उद्घाटन किया तो उसको लगा कि उसके मन में एक जो शक था कि भारत इस मीटिंग को टाल रहा है, वो शक एक तरह से एक यकीन में बदला कि शायद भारत का कुछ इरादा जो है वो कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फेस टू फेस आपस में मुलाकात नहीं कर सकते थे, विदेश सचिव तो कम से कम टेलीफोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बातचीत तो कर सकते थे। मैंने राकेश सूद से पूछा कि इस पूरे विवाद के पीछे क्या चीन की कोई भूमिका हो सकती है। मैं इस फैसले में उनकी भूमिका नहीं देखता हूं, क्योंकि चीन ने इस बॉर्डर के मुद्दे पे नेपाल का कभी साथ नहीं दिया है। अगर आप देखें तो चीन के भारत के साथ जो समझौते हुए हैं, हमने जब भी बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने की बात की है, 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन गए थे तब जो एग्रीमेंट था उसके अंदर भी यही बात हुई, उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर वेंजीबाओ इधर आए थे तो तब उसके अंदर भी ये कहा गया। तो उसके अंदर लिपुलेख पास जो है वो हमेशा से उन्होंने भारत के साथ ये मान के समझौता किया है कि वो भारत का हिस्सा है। तो इसलिए ये कहना कि इसके अंदर चीन का हाथ है, मैं समझता हूँ शायद नहीं है, क्योंकि चीन ने हमेशा से यही सोचा है कि लिपुलेख पास जो है वो भारत में आता है। नेपाल ने नए नक्शे के प्रस्ताव को निचले सदन में मंजूरी देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, ऐसे में भारत के पास क्या रास्ता बचता है, इस पर राकेश सूद ने कुछ ये कहा। मुझे तो लगता है कि ये अब अधिकारियों के स्तर पर, क्योंकि विदेश सचिव जो हैं वो तो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं बेशक, पर अधिकारी हैं, तो ये मुझे लगता है कि अधिकारियों के स्तर पर अब ये बातचीत जो है उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी, और इसको एक राजनीतिक स्तर के ऊपर अब बातचीत हमको ले जानी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर भारत का कहना है कि नेपाल के साथ कोई भी बात कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ही संभव होगी।